हेलो दोस्तों, नज़ारा देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब सोच रहे ना कौन सा प्लेस है ये, तब तक ये पीछे कर लेते हैं। अब मस्त है, अब सही है ना। हाँ, तो आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कौन सा प्लेस है, कहाँ ये पड़ता है। अपने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि महल के अंदर भी एक रास्ता होता है, अंडरग्राउंड रास्ता। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखे और एक्सप्लोर किया है, और कैसे हम फंस गए थे वहाँ पर। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम अनप्लान दतिया ट्रिप रखा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा दतिया कहाँ पर है, तो आपको क्लियर कर दूँ, दतिया पड़ता है झांसी ग्वालियर के बीच में। आप गूगल मैप पे चेक कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। बट ये जो मैंने एक्सप्लोर किया है, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी वीडियो में मिलेगा। जब वहाँ पर जाओ ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, पानी पीते रहना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, शुरुआत हम कैसे करते हैं, प्लानिंग के साथ। हम 5 लोग गए थे एग्जीबिशन करने। अगर आपको एग्जीबिशन देखना पसंद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब चलते अनप्लानिंग की ओर। तो 3 दिन हमारा एग्जीबिशन था, तो 3 दिन हमने वहाँ मज़े किए। पहला दिन में क्या हुआ देख सकते हो। जब हम एग्जीबिशन से फ्री हुए तो हम चल पड़े थे, पीछे जो महल देख पा रहे हो ना, वो देखा हमने। तो सोचा कि हम 5 चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है वो चीज़। तो सब अपनी अपनी फोटोग्राफी करने लग गए थे, जिसको जैसा अच्छा लग रहा था। इस महल का नाम है वीर सिंह महल। जब अंदर जाते तो ऐसे नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। ऐसे कहा जाता है कि जो बालकनी में जो पिलर लगे हुए हैं, तो यहाँ हीरे जवाहरात लगे रहते थे, तो सब तोड़ के ले जा चुके हैं, ऐसे हिस्ट्री में कहा गया है। सही है कि गलत, ये तो नहीं पता। जितना मेरे को कहानी सुनने को मिला वो आपके साथ शेयर किया मैंने। एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और वाटर कलर करने वाले जो वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, एक बार विजिट करें, देखें। जब ऊपर गए थे ना टॉप पे, तो ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा, ये शहर जो सामने देख पा रहे हो। यहाँ मैं आपको थोड़ा ब्रेक देना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक पार्ट को मैंने अलग रखा अगले ब्लॉग के लिए। यहाँ मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जब इस महल में घूम रहे थे ना, तो हम कहीं भी चले जा रहे थे, तो हमें रास्ता पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान हम ऐसे रास्ते में पहुँच गए थे जो अंडरग्राउंड का रास्ता था। रास्ता मिल गया, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। कोई डरो मत, आराम से चलो, मिल जाएगा रास्ता हम लोगों को। उस अंडरग्राउंड में जाने के बाद तो कुछ ऐसा सीन हुआ था जो इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। उसका भी एक रीज़न है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। इस महल में जो एक्सप्लोर करना था कर लिया था, अब नेक्स्ट डे हम दूसरी जगह पर जाने वाले थे। वो कुछ इस तरह से नज़ारा आपको दिखेगा। आपको याद होगा इस महल के बारे में, उस महल में हम घूम के आ चुके हैं। अब ये दूसरे दिन ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, तो थोड़ा हमें टाइम मिला था, हम घूम के आ चुके थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। अब खाने पीने की बात कहूँ तो वहाँ का खाना थोड़ा तीखा होता है, अगर कोई तीखा पसंद नहीं करता है तो शायद उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कचौड़ी खाया, पूरी सब्जी खाया, ज़्यादातर हमने तो गन्ने का जूस पिया था, तो इसी से हमारा काम चल रहा था। जिनको तीखा पसंद नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब हमारे 3रा दिन आखिरी दिन था, तो हम आसपास की गलियों में घूमने लगे थे, तो हम पूछ रहे थे वो महल कौन सा, ऐसा कोई आसपास का महल बचा है तो देख के आ जाते। तो काफ़ी लोग बोले मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, खंडर बन चुका है। जब वहाँ हम पहुँचे तो सच में खंडर ही था वो। जब हम वहाँ चढ़ रहे थे ना, तो ऐसे हिल रहा था, मतलब ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये पहले कचहरी हुआ करता था।
वहाँ पर आप पीओपी वर्क देख सकते हो कितना डिटेल से काम किया होगा। ये हमने कॉलेज में सीखा था पीओपी वाला काम करना, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम सारे ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया था। हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई, सारे लोकेशन देख रहे हैं कि किस तरह से कहाँ फ़ोटो क्लिक करना चाहिए। जो आपने स्टार्टिंग फ़ोटो देखा होगा ना, वो इस यहीं पर हमने क्लिक किया था ट्राइपॉड लगा के। ये हमारे रोशन भाई है, बोलते कम है सोचते बहुत ज्यादा है। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको हेल्प मिला होगा मेरी ब्लॉगिंग से, कुछ तो हेल्प मिला होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोशिश तो यही हर ब्लॉग में आपको नया थोड़ा देखने को मिले। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,